आज के दिन को आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर से 17 फरवरी तक रेशन प्रपोर्शन के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊ, ठीक है। और ये रेशन प्रपोर्शन का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ, ठीक है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए मैं आपको इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। जो आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। और एक तरह से कह सकते हैं ये रेशन प्रपोर्शन का पार्ट 2। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया, 7:9 में क्या जोड़ा जाए कि 13:14 हो जाए, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि 7:9 में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 13:14 हो जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे एक्स मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या इसे दोनों तरीके से सॉल्व कर लिया। पहला तरीका देखिए ऑप्शन से लोग चेक करें, फर्स्ट तरीका कि आप इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो भी अगर जोड़ा जाए तो इन्हीं चारों ऑप्शनों में से जोड़ा जाए। आपको करने के अगर हम लोग क्या कर दे, इसमें जैसे 10 जोड़ दे रहे और 10 इसमें भी जोड़ दे, जोड़ने के बाद मुझे ये चेक करना, काटने के बाद ये अनुपात मुझे चाहिए। जो ऑप्शन इस बात को फॉलो करेगा वही ऑप्शन वो क्या जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन लेके चेक करते, अगर आप इसमें 10 जोड़िए 10 इसमें भी जोड़िए तो कितना होगी, 17 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये 19 हो गया। क्या इन दोनों को काटने के बाद अनुपात ये मिले क्या, ये अनुपात नहीं मिले, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, इसका रिजेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन लेके चेक करते हैं, अगर आप 19 आप इसमें जोड़िए कितना हो जाएगा, ये 26 हो गया, 26 मिले। और 19 इसमें जोड़े कितना हो जाएगा, ये 28 हो गया। अब करना क्या, आपको इन दोनों के बीच में रेशियो लगा दिए। जब रेशियो लगाएंगे देखिए 2 से ये भी कटेगा 2 से ये भी कटेगा और मुझे अनुपात ये चाहिए, अगर जिस ऑप्शन से मिलेगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। इतना के लिए देखिए इस बात को ये फॉलो करा, ठीक है, यानी इस बात को ये फॉलो करा। हम लोग कह सकते हैं कि वह संख्या कौन सी होगी, 19 होगी। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ये इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इससे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। आपको करना है कि एक्स मान के आप सॉल्व करें, यहाँ पे जो 7:9 लिखा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/9 आप लिख सकते, कोई फर्क नहीं। अब इसमें ये कहा गया क्या जोड़ा जाए, यानी क्या करना आपको, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, एक्स इसमें भी आप जोड़ दीजिए और एक्स इसमें भी आप जोड़। अब जोड़ने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान किसके बराबर हो रहा, 13/14 के बराबर, तो आप यहां से लिखिए 13/ कितना हो गया, 14। अब आपको करना है कि इसका गुणा आप इधर कर लीजिए और इसका गुणा आप इधर कर लीजिए, त्रिएक में गुणा करके आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना। जब आप त्रिएक में गुणा करके निकालेंगे तो एक्स का मान आपको कितना मिल जाएगा, 19 आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने दोनों तरीके बता दिया, ऑप्शन से भी और इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका गुणनफल 9600 है तो उनका योग ज्ञात करें, उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। सबसे पहले ये देखा है, अगर कोई दो संख्याएं रही होंगी जब इनके बीच में रेशियो लगा दिया गया तो किसी सेम संख्या से काटने के बाद ये अनुपात मिला। अगर मुझे क्या करना, ये पुनः संख्या प्राप्त करनी है तो लोग क्या करें, सेम संख्या से इसमें गुणा करें और सेम संख्या से इसमें गुणा करें। अगर हम लोग करें कि x से इसमें गुणा कर दे और x से इसमें गुणा करें तो वो संख्या मुझे पता चलेगी। इतना क्लियर है। अब कि संख्याएं पता चली, संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया, अगर आप रेशियो में जब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 6x² आपको मिलेगा। ये भी गुणनफल है और ये भी गुणनफल, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो 6x² कितना हो जाएगा, 9600। इसको यहां से डिवाइड कर दी, 6 + 6 हो गया, 6 × 6 = 36, यानी कितनी बार में कट जाएगा, इतनी बार में ये कट जाएगा। और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसका यहाँ से जो स्क्वायर है इसको हटाऊं तो इधर क्या आके लग जाएगी, कड़ी लगेगी, इधर आके कड़ी लगेगी। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो एक्स से बराबर कितना दे देगा, ये 40। एक्स का मान आपको पता चल गया। पूछा कि उनका योग पूछे, तो करना कि अगर ये योग पूछा तो आप रेशियो में डायरेक्ट दोनों को जोड़िए। अगर आप रेशियो में डायरेक्ट दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5x मिलेगा और x का मान आपको पता कितना है, 40। इसमें 40 रख के गुणा कर लीजिए, आपको क्या देगा, आंसर। अगर आप इसमें 40 रखेंगे, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20।
कितना मिल जाएगा 200। यानी आप बता सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा 200। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए इसमें क्या दिया गया, तीन संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ 7 है तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, वैसे ये जो क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक का है, लेकिन इनके बीच में रेशियो दिया गया तो मैंने क्या कर दिया इसमें इन्वॉल्व कर लिया। अब इनका ये दिया कि एचसीएफ दिया और पूछा कि संख्या आपसे पूछा तीनों संख्याओं के बीच का अनुपात कितना दिया गया 3 अनुपात 4 अनुपात 5 और एचसीएफ कितना दिया गया, एचसीएफ कितना दिया गया 7 दिया गया। अगर ये एचसीएफ दिया गया इसका गुणा आप इसमें कर ली तो पहली संख्या पता चलेगी और इसका गुणा आप इसमें कर लेंगे तो दूसरी संख्या आपको पता चलेगी, इसमें करेंगे तो आपको तीसरी संख्या आपको पता चलेगी। तो गुणा कर ली 7 3 21 हो गया, 7 4 28 हो गया और 7 5 कितना हो गया 35 हो गया। यानी ये बता सकते कि तीनों संख्या क्या होंगी 21 28 35। अगर ये एचसीएफ दिया है और संख्या आपसे पूछे तो इसका गुणा क्या करें, डायरेक्ट इसमें गुणा करिए, इसमें गुणा करिए और इसमें गुणा करिए, आपको क्या देगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 4 देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, दोनों मिलकर 12,100 रुपए कमाते हैं तो दोनों की आय के बीच का अंतर क्या होगा, दोनों की आय के बीच का अंतर क्या होगा इसमें आपसे ये पूछेगा। सबसे पहले जो दिया गया आप यहां से लिखिए, ए लिख लीजिए और ये बी लिख लीजिए। ए की आय बी की आय से कितना 20% एक्स्ट्रा है। अगर मैं मान लो बी के पास कितना 100 रुपए, यानी बी की आय कितना 100 रुपए। अब इसकी आय क्या है, इसकी आय का कितना 20% एक्स्ट्रा है, जितना ये है उतना तो है ही प्लस इसकी आय का 20% एक्स्ट्रा है तो कह सकते हैं कितना ये 120। अब इन दोनों के बीच में क्या करिए रेशियो लगा दिए तो 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड कर 2 6 12 हो गया और ये 2 5 कितना हो गया 10 हो गया। इतना क्लियर है, और दोनों मिलकर इतना कमा रहे हैं, दोनों मिलकर कितना कमा रहे हैं 12,100 रुपए कमा रहे हैं। अगर रेशियो में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 11 मिलेगा। इस योग से इस योग में क्या करिए भाग, भाग कितनी बार जाएगी 1100 बार जाएगी। और पूछा क्या दोनों की आय में अंतर पूछा है ना, तो आपके पास दो तरीके है लेकिन आपको एक ही तरीका बताना, आप डायरेक्ट करिए कि अगर अंतर पूछा है तो रेशियो में डायरेक्ट अंतर करिए, रेशियो में कितने का अंतर है 1 का अंतर है और इसका लाके आप इसमें गुणा, इसमें जब गुणा करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 1100 रुपए मिलेगा। यानी दोनों की आय में कितने रुपए का अंतर है 1100 रुपए का अंतर, बी ऑप्शन किसका मैच करेगा। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 5 देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, महिला तथा पुरुष के संख्या का अनुपात 2:3 है, यदि महिला 10% तथा पुरुष 30% बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात बताए। हमको दिया क्या क्वेश्चन में, महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात दिया गया, आप यहां से लिखिए 2:3 कितना है 3। अब इसमें यह कहा है कि महिला की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि कर दिए 10% की वृद्धि कर दी, तो जो भी ये महिला की संख्या होगी ये अपने आप पे 100% अगर इसमें 10% की वृद्धि कर रहा तो बढ़कर कितना हो जाएगा 110% कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। आपको करना है कि इसका डायरेक्ट क्या करें 110% आप निकालें, दो का करिए कि आप डायरेक्ट 110% आप निकालें। अब इसमें कितने की वृद्धि कराइए, पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि कराइए 30% की वृद्धि करा, तो आपको करना है कि डायरेक्ट क्या करें इसका 130% आप निकालें, डायरेक्ट 130% आप निकालें, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया 0 से 0 कट गया, इन दोनों का गुणा करें कितना मिल जाएगा ये 22 मिल जाएगा और इन दोनों का गुणा करें 13 3 39 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 13 3 39 मिल जाएगा, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा मैच करा 22 39, सी ऑप्शन किसका मैच करा। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 6 देखा जाए इसमें क्या दिया गया है, राम श्याम और मोनू के हिस्से का अनुपात इतना है, यदि राम का हिस्सा कितना 1200 रुपए है तो कुल राशि ज्ञात करें, यानी कुल धन कितना था इसमें आपसे ये पूछेगा। सबसे पहले कि इन तीनों के बीच में क्या लगा रेशियो लगा, और ये देखिए कट के छोटा होता आप काट के छोटा कर लिए, ठीक है अगर आप देखिए 2 से सभी को काटेंगे तो कितना मिल जाएगा 1/1 और इसको डिवाइड करेंगे 1/1 कितना हो गया 2 हो गया और ये कितना हो जाएगा 1/3 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया था जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ाया था
तो वहां पे आपको ये बताया था कि जो रेशियो अपने आप में बटा फॉर्म नहीं रखता है, बटा फॉर्म नहीं रखता है। तो बटा फॉर्म हटाने के लिए करना क्या आपको, आप इसको ढक लीजिए, इस वाले को ढक लीजिए, इन दोनों का गुणा करके आप इसमें गुणा करिए, ये तीन दुना छह हो गया और छह एकम कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। अगर इसकी जगह लिख रहे हैं तो आप इसको ढकिए और इन दोनों का गुणा करिए, तीन हो गया, तीन एकम कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। इतना क्लियर? इसकी जगह लिख रहे हैं तो आप इसको ढक लीजिए, इन दोनों का गुणा करके आप इसमें गुणा करिए, कितना मिल जाएगा, दो मिल जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखिए इससे छोटा तो होगा नहीं। अब कहा क्या, राम का हिस्सा कितना है, बारह सौ रुपए। राम का हिस्सा कितना है, बारह सौ रुपए है। यहाँ पे राम, श्याम और ये मोहन, राम का हिस्सा कितना है, बारह सौ रुपए है। लेकिन रेशो इसका मान कितना है, राम का हिस्सा कितना है, बारह सौ रुपए है, लेकिन रेशो इसका मान कितना है, छह। आपको करना है कि इससे क्या करें, आप इसमें भाग दें। अगर आप भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 200 बार जाएगी। और पूछे कि कुल राशि पूछे ना, आपके पास दो तरीके। पहला तरीका ये कि आप इसका गुणा इसमें कर लीजिए और इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए और इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए, जो भी मिलेगा फिर उन तीनों क्या करें, आप जोड़ लीजिए, आपका क्या जाएगा, आंसर जाएगा, कुल राशि आपको पता चले। ये इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, आपको करना है कि रेशो में सभी को आप जोड़िए। अगर आप रेशो में सभी को जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 11। और जितनी बार भाग गए इसका लाके आप इसमें गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 2200 रुपए मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 2200 रुपए मिल जाएगा। कुल राशि आपको कितना पता चलिए, 2200 रुपए। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो वर्ग के विकर्ण का अनुपात 3:5 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछेंगे। ठीक है, ये देखिए दिया क्या, वर्ग के विकर्ण का अनुपात आपको दे दिया है, पूछे कि आपसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दो फार्मूला होता है, ठीक है, मैं आपको दोनों लिख दे रहा हूं। पहला फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर अगर आपसे पूछू तो भुजा का स्क्वायर होता है। और दूसरा फार्मूला इसका क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाय टू होता है, विकर्ण का स्क्वायर बाय टू होता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला ये होता है कि विकर्ण का स्क्वायर बाय टू होता है। इतना क्लियर है? और देखिए दिया क्या, विकर्णों का अनुपात आपको दिया है, पूछा कि आपसे क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। अगर ये विकर्ण दिया गया, आपको करने के इसका स्क्वायर करके बाई टू कर लिए और इसका भी स्क्वायर करके बाई टू कर लेंगे, आपको क्या पता चले, क्षेत्रफलों का अनुपात आपको पता चले। अगर आप इसका स्क्वायर करें कितना मिल जाएगा, ये 9 मिल गया, 9 बटे कितना हो गया, इसका स्क्वायर करें कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, 2। विकर्ण का स्क्वायर बाय 2। ये 2 से 2 कट गया, अनुपात क्या मिल जाएगा, 9 अनुपात कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। ये इसका क्या गया, आंसर। इसका आंसर कितना गया, 9:25। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के 3 सिक्कों का अनुपात इतना है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, कुल धन ज्ञात है। सबसे पहले कि सिक्कों का अनुपात दिया गया, आप यहां से लिख लीजिए, सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया, अनुपात कितना दिया गया, 1:2:3 दिया गया। और क्वेश्चन में ये कहा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना, 80। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना, 80 है। अगर देखा जाए रेशियो इसका मान कितना है, ये 1 रुपए के सिक्के का अनुपात है और ये 50 पैसे के और ये 25 पैसे के। 50 पैसे देखिए रेशियो में कितना मान दिया गया, 2 दिया गया। आपको करना है कि इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे। अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 40 बार जाएगी। और इसका लाके आप इसमें गुणा कर देंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि 1 रुपए कितने सिक्के हैं, इसमें गुणा करें 40, इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा, ये 80। 50 पैसे के 80 सिक्के, इसमें गुणा करें 4×3=12, यानी 25 पैसे कितने सिक्के, इतने सिक्के। ये क्या पता चलिए आपको, सिक्के दिए गए, ठीक है, ये सिक्के। और इसे कन्वर्ट किसमें करना, आपको रुपए में कन्वर्ट करना। अगर 1-1 रुपए के, ठीक है, आप यहां से लिख सकते 1 रुपया 50 पैसे और ये 25 पैसे आप लिख सकते हैं। 1-1 रुपए के अगर 40 सिक्के, जब आप इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना रुपया देगा आपको, 40 रुपया आपको देगा। कितना रुपया देगा, 40 रुपये। अब देखिए 50 पैसे कितने सिक्के, 80 सिक्के। जब आप इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 2 सिक्के मिलेगा, कितना, 1 रुपया देगा,
तो 80 सिक्का मिलकर कितना देगा, 40 रुपया देगा। इतना क्लियर है। अब के 120 सिक्के हैं कितने के, लेकिन 25 पैसे के। जब आप इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे कितने से भाग देना, आपको 4 से भाग देना। क्यों 4 से भाग देंगे, क्योंकि 1 रुपए में कितने 25 पैसे होते हैं, 4 होते हैं। इसमें क्या करें, 4 से भाग दें। जब 4 से भाग दें तो आपको रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, ये 30 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, कुल धन पता चल गया। अब करना क्या, आप इन सभी को जोड़ लिया आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 110। कुल धन आपको पता चल गया कितना है, 110। कुल धन आपको कितना पता चल गया, 110 रुपए। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक थैले में 110 रुपए है, जिनमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया, इतना है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, सेम ऊपर वाले की तरह सॉल्व कर, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। सबसे पहले आप यहां से लिखिए, सिक्के कितने कितने के, 1 रुपया है, 50 पैसे के है और कितने के, 25 पैसे के सिक्के है। और सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया, आप यहां से लिख लीजिए कि सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया, 1:2:3 दिया गया। इतना क्लियर है। अब कि यहां से कुल धन आपको पता है, तो पूछा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के। इस बार देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज, ऊपर वाले की तरह, ऊपर वाले की अपेक्षा थोड़ा सा चेंज है। अब ये कुल धन दे दिया गया, तो हम इसे क्या करेंगे, रुपए में सभी को कन्वर्ट कर लेंगे। अगर 1 रुपए के 1 सिक्के तो कितना रुपया देगा ये, इन सभी को क्या करना, आपको रुपए में कन्वर्ट करना, तो 1 रुपया आपको देगा। अब देखिए 50 पैसे के 2 सिक्के, जब आप इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना रुपया देगा आपको, 1 रुपया आपको देगा। अब 25 पैसे के देखिए 30 सिक्के, जब आप इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना देगा, ये इतना रुपया देगा। अब देखिए सभी रुपए में कन्वर्ट हो गए और कुल धन कितना है, कुल धन कितना है, 110 रुपए। आप यहां से 110 रुपए। अब करना क्या, आपको इन सभी को जोड़कर क्या करिए, इसमें भाग दीजिए। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 2.75 मिल जाएगा, इतना रुपए। इससे क्या करें, आप इसमें भाग दें, इससे क्या करना, आपको इसमें भाग दीजिए। ठीक है, अब देखिए करना क्या, आप ऊपर नीचे क्या करें, 100 से गुणा करें। दशमलव हटाने के लिए क्या कर दे रहा, ऊपर नीचे 100 से गुणा करें। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, जब आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 40 बार जाएगी। कितनी बार भाग जाएगी, 40 बार जाएगी। अब जितनी बार भाग गई, किसके सिक्कों की संख्या पूछा, 50 पैसे की, तो करना क्या, इसका गुणा आप इसमें कर लीजिए। जितनी बार भाग गई 50 पैसे वाले मिला के गुणा कर दिया, क्या जाएगा आंसर, कितने सिक्के, 80 सिक्के। यानी आप बता सकते हैं कि 50 पैसे के, 50 पैसे कितने सिक्के, 80 सिक्के, 80 सिक्के, ये इसका आंसर आ गया। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन जी हमें पूछा गया था, क्वेश्चन 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि ए का 10% बी के 20% के बराबर है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। इन दोनों के बीच में क्या पूछा हमसे, रेशियो पूछेंगे। ए का 10% ले लीजिए और बी के क्या कर दिए, 20% ले लीजिए, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आप यहां से कर लिए, ए का 10% बराबर बी का 20%, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इतना क्लियर है। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दो, 10 से कम 10 हो गया, 10 दुना 20। इन दोनों के बीच में क्या पूछा, अनुपात पूछे, तो ए को आप यहीं पे रहने दीजिए और बी को आप इधर ला दीजिए, तो ए बटा क्या हो गया, बी हो, और दो यहाँ पे है और ये इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा, बटा एक। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए अनुपात है बी भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी ए और बी का अनुपात कितना होगा, 2:1। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन थर्ड देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए बी तथा सी का अनुपात कितना है और तीनों का योग कितना दिया गया, एक कितना दिया है, 14,400। तो बी का हिस्सा क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछे, यानी तीनों के इतना रुपया, तीनों का योग इतना रुपया है, पूछे क्या बी का हिस्सा पूछे, और इन्हीं तीनों में डिवाइड करना है। तो करना क्या, आप रेशियो में सभी को जोड़िए। अगर आप रेशियो में सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 मिलेगा। इस योग से इस योग में क्या करिए, भाग दीजिए, तो 12 बार यही 144 कितनी बार भाग जाएगी, 1200 बार जाएगी। जितनी बार भाग गई और किसका हिस्सा पूछा, बी का हिस्सा पूछा, तो बी बारे में लाके गुणा कर दी, ये क्या है, बी है,
जो चार ये हमारा क्या बी है, तो इसका गुणा आप इसमें करेंगे 12 चौके कितना हो गया 48, 48 यानी बी का हिस्सा क्या होगा 4800 रुपए, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात इतना है, तो सबसे छोटा कोण का मान होगा, इसमें आपसे ये पूछा, और हमको ये पता कि चतुर्भुज के चारों कोणों का ये कितना होता है 360 होता है। अगर आप रेशो में सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, इन सभी को जोड़े कितना मिल जाएगा 18। इस योग से इस योग में क्या करिए भाग दें, अगर आप भाग देंगे भाग कितनी बार जाएगी 20 बार जाएगी, जितनी बार भाग गई और पूछा कि सबसे छोटा कोण पूछा ना, तो जो रेशो में सबसे छोटा होगा उसमें ला के गुणा कर दें, इसका गुणा क्या करें आप इसमें कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 गुना 40, यानी आप बता सकते हैं सबसे छोटा कोण कितना होगा 40 डिग्री का होगा, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कितना दिया गया, 1:2:3:4, तो सबसे बड़ा कोण याद करें, ठीक है, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, लेकिन इसमें पूछा कि सबसे बड़ा कोण पूछा, ऊपर वाले क्वेश्चन सबसे छोटा कोण पूछा था, इस वाले में क्या पूछा सबसे छोटा सबसे बड़ा कोण पूछा, तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप पे जरूर शेयर करें। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।